जो जोश मुमरा में है वही जोश थाने में दिखेगा। नहीं, मेरा यही जोश थाना में हमेशा रहा है। मतलब आपने पैसा नहीं दिया है? पैसे ही देके अगर विरोधी पक्ष नेता बनना होता, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। जो जिस इलाके में रहता है उस इलाके में बहुत बोलता है, लेकिन जब दूसरे इलाके में जाता है तो बहुत कम बोलता है। मैंने मुमरा में कम, थाना में ही ज्यादा बोला हूँ। जितने सारे मुद्दे गिनाए हैं, ये तो बहुत कम मुद्दे। आप यहाँ पे आप नहीं मिलेंगे क्या? थाने में ही मिले। ये उनका कार्यालय, उनका सम्मान है जो मुझे मिला है, मेरी क्या हैसियत थी? मैं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। इस वक्त ऐसे चेहरा हमारे साथ मौजूद है जिसे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, नाम से वाकिफ हैं और उनके काम से भी वाकिफ हैं। इसके पहले उनके पास कई सारे मतलब जिम्मेदारी दिए गए हैं, जिम्मेदारी है जो निभा रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी ऐसा उनको सौंपा गया है, दिया गया है, जो थाने महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता जो है उन्हें चुना गया है, उन्हें दिया गया है। लेकिन मैं अब ये कहूँगा, जिस तरह से उन्होंने विरोधी पक्ष नेता का पद उन्हें मिलते ही जो विरोधी हैं वो तो जो है कहीं ना कहीं सहम गए, लेकिन जो कार्यकर्ता है इनके, एनसीपी कार्यकर्ता, जिस तरह से आज जोश देखने को मिला उनके, किस तरह से जोश थे। सानू पठान जो विरोधी पक्ष नेता उन्हें चुने जाने के बाद जगह जगह पर उनके जो है स्वागत किए गए अलग अलग तरीके से, अलग अलग अंदाज में। हम आज बात करेंगे सानू पठान जी से जो हमारे साथ मौजूद है। सानू भाई, आपके ऊपर जो है कई सारे जिम्मेदारी थे इसके पहले, लेकिन अब जो जिम्मेदारी आपको मिली है वो ठाणे महानगर पालिका में विरोधी पक्ष नेता की, तो कहीं ना कहीं मुमरा कौसा में जिस तरह से जो समस्याएं हैं, मुद्दों का जो भरमार है, बहुत कुछ काम नहीं हुए हैं, अधूरे पे हैं, उसको लेकर किस तरह से आप महासभा में आवाज़ उठाएंगे, किस तरह से आपकी आवाज़ गूंजेगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं हमारे देश के नेता आदरणीय शरद पवार साहब, माननीय जयंत पाटिल जी, अजीत दादा पवार, सुप्रिया सुले और हमारे क्षेत्र के MLA, गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, आनंद परांजपे जी, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी और सभी कॉरपोरेटर जिन्होंने इस पद के लिए मेरा साथ दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही उन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता जो वार्ड अध्यक्ष से लेके यहाँ तक पहुँचा है उसे ये जिम्मेदारी दी, उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। फिरोज भाई, ऐसा है कि ये बात आपने सही कहा कि मुद्दे बहुत है लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत है। पहले कॉरपोरेटर के नाते मुमरा के लिए बोलना पड़ता था, अब विरोधी पक्ष नेता का धर्म होता है कि पूरे थाना के अंदर जो भी लोग हैं अलग है, जो भी कुछ भ्रष्टाचार है, जहाँ पे सत्ताधारी न्याय नहीं दे पा रही, विरोध धर्म वो है कि उन लोगों को न्याय दिलाना। तो महानगर पालिका के पद संभालने के बाद आज मैं कोशिश करूंगा पूरी ताकत लगा के कि जितने भी कॉरपोरेशन की सारी संस्थाएं ने जो भी है, परिवहन, आरोग्य, ट्री, बहुत संस्थाएं, उनकी योजनाएं आम नागरिक तक कैसे पहुंचे, क्योंकि मैंने देखा हूँ इस खास तौर से कलवा, मुमरा और दीवा, इन पट्टों में लोग योजनाओं से महरूम है महापालिका की। मेरा पहला टारगेट यही है क्योंकि हालात लॉकडाउन का है और कोविड की महामारी की वजह से लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन महानगर पालिका के पास एक बड़ा खुद का बजट है जो एक तरीके से कोई स्टेट का बजट होता है। ऐसे छोटे छोटे स्टेट है जिनका बजट 4,000 करोड़ है लेकिन महापालिका का खाली एक नगर निगम का इतना बड़ा बजट है। लेकिन सानू भाई, मुमरा कौसा का क्या, जहाँ पर जो है रोड अधूरे हैं, स्टेडियम के से लेकर जो रास्ता आ रहा है, जो नया बन रहा है 80 करोड़ या 110 करोड़ की जो जिसमें लागत लगी हुई है, लग रही है बन रही है, उस वो भी अधूरा है। स्टेडियम के बगल में देखिए हॉस्पिटल जो 100 बेड का, वो भी आधा अधूरा है, अभी तक हुआ नहीं है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, हॉकर्स के मुद्दे हैं, क्या आप महासभा में आवाज़ उठाएंगे? महासभा में तो पहले भी आवाज़ उठाता था, आवाज़ उठाने के साथ ये काम अब कराने की जिम्मेदारी मुझ पर। मैंने चार काम अहम सोचा अपने शहर के लिए। जी, वो क्या है? एक, हमारा जो हॉस्पिटल है वो अभी तक क्यों नहीं मुमरा को दिया गया?
जो बना है, लेकिन देरी क्यों हुई? मेरे कार्यकाल में सबसे पहले काम कि महानगर पालिका का हमारा जो हॉस्पिटल है उसको मुमरा कौसा की आवाम के लिए तुरंत शुरू किया जाए, उसको स्थिति मैं मंडे के दिन सबसे पहले वो जाके देखने वाला हूँ। आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अभी तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मंडे के दिन मैं पहला काम मेरा वही है कि अभी तक हॉस्पिटल किस स्टेज पे और क्या काम की वजह से रुका है, क्यों देरी हुई, बजट की नहीं देरी हुई, कॉन्ट्रैक्टर देरी हुई, कोई मस्ती कर रहा है, क्या चाह रहा है, इसमें पहला मेरा ध्यान है कि 2021 के अंदर बहुत जल्द ताकि हम को बंद करने के लिए, देखिए जिनके पास पैसा है वो जाए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बड़े हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, प्राइवेट भी होना चाहिए, लेकिन टारगेट ये कि हमारे लो क्लास और मिडिल क्लास के लोग कहाँ जाए। शिवाजी हॉस्पिटल बहुत मामलों में फुल चल रहा है, वो चल रहा है। दूसरा बात आपके माध्यम से एक और बता दूँ कि बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल के मेरी एक सोच चल रही है, क्योंकि मैंने हमेशा देखा हूँ कि मैं जब यहाँ 8 साल का 9 साल का मेरा कार्यकाल है ना, तो लोगों ने ना बहुत तरीके से एक डिमांड की कि शानू भाई मेरा बच्चा पैदा हुआ है, मुझे पेटी की ज़रूरत है, पेटी नहीं मिलती थी। अब मैं फ़ोन करता था तो पेटी हमको लेना तो उनको चाहिए, मैं महापालिका के अंदर जितना हॉस्पिटल है मेरी वहाँ पर कहीं आंदोलन भी हो और लोग से मैं मनवा के भी रहूँगा, लेकिन दिक्कत ऐसी है कि पेटी ही नहीं है। अब जो पेटी बच्चा जिसमें है उसको निकाल के तो नए बच्चे को नहीं देख सकते, क्योंकि पहला तो उसको ही रखना पड़ेगा जो अंदर है। तो ऐसी दिक्कतों के लिए मेरा सबसे बड़ा दूसरा टारगेट है कि बच्चों के हॉस्पिटल के लिए क्या करना चाहिए, उसको तुरंत शहर के अंदर देना ज़रूरी। दूसरा ये हॉस्पिटल के साथ बच्चों के हॉस्पिटल का टारगेट है। दूसरा मुद्दा मेरा, ये आपका एक नया मतलब मुद्दा है, बच्चों का हॉस्पिटल, कि हमको बच्चों के हॉस्पिटल के लिए हमको भटकना पड़ता है और हमको कहाँ पर भी लेते नहीं, क्योंकि हमारी जो क्वांटिटी है पेटी की वो कम है। दूसरा मुद्दा पानी की दिक्कत जो बहुत है, हमारे पास रीमॉडलिंग का पैसा पड़ा है, कॉन्ट्रेक्टर इतनी मस्ती कर रहा है कि काम शुरू नहीं कर रहा है, काम शुरू कर रहा है तो बहुत धीमी स्थिति से, तो कुछ कॉन्ट्रेक्टर से मेरे को मेरी ट्यूसडे के दिन मेरा टारगेट है कि मैंने ये सोचा हूँ अभी तक, लेकिन आप आ गए तो ये बता भी दूँ कि ट्यूसडे के दिन मैंने ये सोचा हूँ कि वो कॉन्ट्रेक्टर की मस्ती क्यों हो रही है। रीमॉडलिंग का पानी का जो मामला है, कॉरपोरेटर के साथ मीटिंग करके ठीक मॉडल के पानी के लिए तुरंत काम करना शुरू करने का, उस पर मेरा मामला है। तीसरा मुद्दा मेरा ये, जो मित्तल रोड से बाहर जाने वाला रोड उसको बारिश से पहले शुरू कर देना है, ताकि रमज़ान में ट्रैफिक ना के बराबर, हमको कौसा जाना है तो हम डायरेक्ट जाए। और एक और मेरा मुद्दा है कि जितनी योजना है विडोज़ की, भाड़े घर देती है महानगर पालिका के, भाड़ा भरती उनका, ज्येष्ठ नागरिकों को कुछ देती, अपंग का मामला चल रहा, किन्नर, ऐसे बहुत लोगों को दे रही है। अभी हाल ही में मुझे सुनने में आया कि पहले स्टूडेंट लोगों को महापालिका कुछ मदद करती थी, अब इसमें योजना में बंद की है, तो मुझे वो मंडे को भी देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स का मामला जो है लोग परेशान है फीस के लिए, उस पर हम क्या कर सकते हैं वो भी देखना है। खैर ये तो आपने जो है ठान लिया है कि जो है ये आप करेंगे जो है, लेकिन एक मुद्दा जो आप भूले जा रहे हैं वो मुद्दा ये है कि मुमरा कौसा का मेन रोड जहां रोड वेंडिंग हुई और आफ्टर जो है अपने ये संजीव जायसवाल साहब के टाइम पे रोड वेंडिंग किया गया, अभी तक सड़कें पूरी तरह से बनी नहीं है, कई साल बीत गए हैं, लोग दावा भी कर रहे हैं कि 6 महीने में तैयार हो जाएगी, 6 महीने भी बीत गए। अब जो पार्किंग है वहाँ, जो सड़क बनी है वहाँ पार्किंग है, ये रास्ता मतलब कब दुरुस्त होगा और कब तक जो है मतलब ये चालू हो जाएंगे और जो पार्किंग है वो सब सारी चीज़ें हट जाएंगी? देखिए दो वजह से शहर में ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, ये रोड बनने के बाद भी ट्रैफिक रहेगा, मैं आपको साफ बता दूँ। आप ये मत सोचिए कि रोड बन गया तो ट्रैफिक नहीं रहेगा, उसके पीछे दो है, एक हॉकर्स रोड पर बैठे और दूसरा पार्किंग हो रही है, दोनों वजह से रोड छोटा हो रहा है। ऑटोमेटिक इतना भी बड़ा बनाओ तो दो जैसी चीज़ नहीं हटेगी, ट्रैफिक कम होता है। यह हॉकर्स को मित्तल मार्केट के अंदर जो इनका हॉकर्स प्लाजा का रिजर्वेशन है वो क्यों नहीं बनाया जा रहा है, उनको क्यों शिफ्टिंग नहीं की जा रही, कैसे शिफ्टिंग करना चाहिए सारी सुविधा के साथ, उस पर गौर तरीके से बात करना पड़ेगी, गंभीरता से एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये बात मुद्दे को लेना। इसलिए मैंने पहले ही जिक्र किया कि जो है हॉकर्स का जो मुद्दा है उसको किस तरह से आप महासभा में आवाज़ उठाएंगे ताकि हॉकर्स का जो है मामला वो एक तरफ हो जाए। मैं दो तीन चीज़ पे कई सालों से मैं सोच रहा था कि कुछ करना चाहिए। आप हॉकर्स की बात कर रहे, आपको मालूम ही नहीं है, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, पूरे मुमरा कौसा के अंदर एक भी मैदान नहीं है, ये कोई सोचता ही नहीं, कोई सोचता नहीं।
तो उसके लिए तो आप सोचेंगे आज वही मैं वोट देने से सोच रहा हूँ कि लोग ये मांग रहे हो मांग रहे, लेकिन ये सोचा है किसी ने कि जो हमारी पीढ़ी है जो हमारे बच्चे उनके पास कोई मैदान नहीं है, एक स्टेडियम है वो भी कोविड हॉस्पिटल बनने के कारण बंद हो गया था, अब उसके बाद उस पर एक्टिविटीज शुरू हो जाएगी सैनिटाइजर करके, लेकिन फिर भी टीकाकरण बाकी है कोविड का और मामलों में, इसलिए शहर के अंदर एक भी दूसरा मैदान नहीं स्टेडियम को छोड़ के। सालू भाई, जिस तरह से मुमरा में आवाड साहब के एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ, उसमें दाहिना और बायां हाथ कौन हो सकता है, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ आपको, एक सानू पठान एक शमीम खान, ये दोनों दोनों में से कौन बायां है कौन दाहिना ये मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन दोनों हैं। अब सवाल ये है कि सानू पठान जो है विरोधी पक्ष नेता बन जाते हैं, यानी आप बन गए, शमीम भाई जो है उसी ठाणे महानगर पालिका में परिवहन सदस्य बनाए गए, अब दोनों जन मिलकर किस तरह से मुमरा में जो विकास कि नैया है किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। देखिए ऐसा है कि हमारे बड़े भाई शमीम खान जी परिवहन के मेंबर बने और परिवहन के ताल्लुक से बहुत काम करना बाकी और बहुत सारे दूसरे भी काम है। आज काफ़ी जोश दिखाया है जो शमीम खान साहब में आपको लेकर भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बड़े भाई हैं और हम मेरे अध्यक्ष और सबके अध्यक्ष, इंशाल्लाह ताला उनके साथ मुमरा का जितना भी कार्य काम है मेरे बड़े भाई के साथ मिलके सारे विकास के काम किए जाएंगे और हमारे को माननीय जितेंद्र रावत साहब और सैयद अली भाई साहब की हमेशा दुआएं साथ है। सानू भाई, जिस तरह से जो है कयास लगाए जा रहे थे, लोग जो है अनुमान लगा रहे थे कि आपको विरोधी पक्ष नेता का जो है मामला नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं दूसरे को मिलने वाला है, ये अचानक कैसे मतलब जो है आप पर सारा कारभार सामने आ गया और आप जो है नियुक्ति हो गए आज जो है विरोधी पक्ष नेता की? देखिए बात एक बात मैं बता देता हूँ, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक छोटा सा कार्यकर्ता जो एक वार्ड अध्यक्ष था और लीडरों की लाइन उसको क्रॉस करते हुए कहीं ना कहीं अपना रास्ता बनाते हुए काम के जरिए अपने माँ बाप की दुआ मुमरा वालों की दुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी ये सब चीज़ों को देखते अपना रास्ता बनाते बनाते जब आ रहा है तो जाहिर बात है पुराना जो मामला है ना पुरानी पीढ़ी जो मेरे से पहले की पीढ़ी वो इनसिक्योर फील करती कि कैसे एक हमारे सामने का बच्चा कैसे हर कोई नहीं कर सकता, इंसानी फितरत है। सानू भाई ऐसा मतलब जो है शहर में तो जितने भी नगर सेवक है हर कोई आवाज साहब के करीब है, हर कोई जो है मतलब इतना करीब है कि जो आप सुनते होंगे जानते होंगे लोग जो है जिस तरह से बता रहे थे कि हमारा मतलब जो है हम विरोधी पक्ष नेता बनेंगे, लोगों ने ऐलान भी कर दिया था, ये अचानक जो हुआ लोग, इसीलिए हमने पहले भी कहा कि विरोधी जो है काफ़ी जो है खामोश हो गए काफ़ी नाराज हो गए, कार्यकर्ताओं में जो है काफ़ी जोश देखने को मिला, तो मतलब आपने जो है आवाज साहब को किस तरह से मतलब समझाया कि आपको ही बनना चाहिए या आवाज साहब ने या पार्टी के लोगों ने आपको ही चुना? आवाज साहब को समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर है, उनको ये समझ में आता है। एक बात आप साहब बता, विरोधी पक्ष नेता हो या मेयर ऑफ अगर सरकार आई तो मेयर ऑफ थाना हो और या और कोई मंजिल आपकी, अगर आपको दुआएं साथ में हैं और अल्लाह की मर्ज़ी ठीक है, अल्लाह भी उसी बोलते ना अरे खुदा ने उस कौम की हिफाजत आज तक नहीं करी ना जिसे अपना खुद का ख्याल, तो अगर आपकी आप में मेहनत करने की इच्छा है और आप उस पर आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला विरोधी पक्ष के नेता कोई बड़ी बात नहीं। भाई जिस तरह से चर्चा चल रही है अभी आप विरोधी पक्ष नेता बन गए हैं, लेकिन चर्चा ये है असल चर्चा तो यही है कि सानू पठान जो है पैसे देकर जो है ये विरोधी पक्ष नेता का जो है पद लिए। आपको ये बात समझना पड़ेगी फिरोज भाई कि इल्ज़ाम तो आप तो जानते ही पहले से ही चालू और इल्ज़ाम का ही नतीजा है कि मैं विरोधी पक्ष नेता बन गया, क्योंकि मेरे विरोधियों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा कि इतना मेरे को फेमस कर दिया कि एक तरफ मेरे प्यार करने वाले मुझे चलाते और एक तरफ मेरा विरोध करने वाले मुझे चलाते, तो मेरी पॉपुलैरिटी है ना जहाँ पे 50% थी वो 100% क्यों हो गई मालूम है, क्योंकि दोनों चला रहे। तो पैसे ही देके अगर विरोधी पक्ष नेता, मतलब आपने पैसा नहीं दिया है, पैसे ही देके अगर विरोधी पक्ष नेता बनना होता तो जिन्होंने दावे किए ना वो बहुत पैसे वाले लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग, अब उनकी हिस्ट्री निकाल ली, बहुत पैसे वाले नामचीन लोग, मैं कुछ नहीं हूँ उनके सामने पैसे के मामले में, पैसे से ना ही विरोधी पक्ष नेता बन सकता है आदमी ना ही कॉरपोरेटर बन सकता है, लोगों ने
टाटा को हरा दिया के टाटा के पास कम पैसा था, कम था, हर गया इलेक्शन, पैसे से कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता, आवाम की खिदमत करना पड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, लोगों के काम करते रहो, खुद ब खुद बड़े आदमी और इज्जतदार बन जाओगे। इजी काय को पैसा खर्चा करते हो, लोगों को काम करो। विरोधी पक्ष नेता तो बहुत छोटी चीज है, बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह ताला ने दे दी। देखा गया अभी जिस तरह से आपकी जगह जगह पर स्वागत हो रहे थे और जो है लोग अपनी अपनी तरीके से जो है आपको हार पहना रहे थे और जो है बाजे भी बजे, जो है कई तरह के मतलब स्वागत हुए आपके, कहीं पे जेसीबी लगाकर जो है हार पहनाया गया आपको। लेकिन एक जगह पर आपने एक चीज़ कहा कि जो है अगर आपको मिलना है तो आप डायरेक्ट अब सीधा महानगर पालिका में आइएगा, यानी ये अब आप जो है विरोधी पक्ष नेता बन गए हैं तो अब आप लोगों को थाने महानगर पालिका में बुलाएंगे या जहां पर आपकी जमीनी मतलब ऑफिस थी वहीं पर बुलाएंगे, आप यहां पे आप नहीं मिलेंगे क्या, थाने में ही मिलेंगे? मेरी मर्जी क्या है मालूम जनते, मेरी मर्जी ये है, मेरे मुमरा कोसा का 70 साल से 80 साल का चाचा, मेरी महिला है, मेरे नौजवान थाना है, उन्हें मालूम, उनको गर्व होना चाहिए कि ये मुमरा के बुजुर्ग से लेके महिलाओं से लेके नौजवानों का कार्यालय, वो कमिश्नर साहब और महापौर साहब के बारे में जो इज्जत मिली है ना, ये मेरे मुमरा वालों की है, मैं क्या चीज़ हूँ, ये उनका कार्यालय, उनका सम्मान है जो मुझे मिला है, मेरी क्या हैसियत है, मैं इतना हैसियतदार नहीं हूँ फिरोज भाई कि मुझे एक पद मिल सकता। आपकी आपकी सोच मतलब कुछ अलग है, आपकी सोच अलग है, लेकिन वहाँ आना चाहिए और उधर बैठना चाहिए, उधर खाना खाना चाहिए, कॉफी पीना चाहिए और महापालिका के काम करवाना चाहिए वहां बैठ के, उधर स्ट्रीट पर इतना पावर है, लोगों को लगना चाहिए कि थाना में भी अब हमारा हक है, मुमरा तो बहुत घूमे। तो आप इस हिसाब से जो है इस हिसाब से आपने बोला, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि सानू पठान साहब जो है उनकी ऑफिस यही थी और यही हमेशा जो है राजनीति की है, लेकिन अब हमको बुला रहे हैं थाना, आधी रात को यहाँ आ जाऊंगा, लेकिन जो दिन है ना महापालिका का टाइम, वो कार्यालय मेरी आवाम का है, जिनकी वजह से मैं इस पद पे हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि हर शख्स जो कभी महापालिका नहीं गया, जिसे मालूम नहीं कि क्या होता है विरोध पक्ष कर ले, अपने उनका बेटा बनाए, उनका भाई बनाए, देखे तो कि उनको क्या सम्मान मिला है, और वो असली हकदार मुमरा कोसा के हर नागरिक है, इसलिए मैं चाहता हूँ सब वहीं रहे और आए और मेरे साथ बैठे और अपना काम कराए, योजनाएं कराए, महापालिका का काम पानी का डिपार्टमेंट का काम है, बाकी के उसके बात का जो टाइम है नगर निगम के बात का टाइम, उनका बेटा आधी रात को हाजिर है, लेकिन वो जो टाइम महापालिका का है वो आपकी आपके लिए जो काम अब यहाँ पे 10 दिन में होता था ना, वहाँ खड़े रहके और इतना आपके बेटे को ताकत मिली वो 10 घंटे में कराइए, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय जितेंद्र रावत साहब का। लेकिन सानू भाई थाने महानगर पालिका जहाँ पर जो है सारे महासभा में मराठी ज़्यादातर लोग बोलते हैं और आप हिंदी में जो है वहाँ पर बोलेंगे, तो कैसा मतलब आपको फील हो रहा है और कैसा आप बोल पाएंगे? अब सूरज भाई जैसे 8 साल से बोल रहा हूँ, मेरे मुझे तो ऐसा लगता है जो जोश मुमरा में है वही जोश थाने में दिखेगा। नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, आपने न्यूज में दिखा है, मेरा यही जोश थाना में हमेशा रहा है, डिपार्टमेंट परेशान रहता है कि कैसा आदमी। और आपको एक बात बता दूं, कभी भी लैंग्वेज या पढ़ाई एक ठीक अच्छी चीज़ है, आपकी मेहनत को वो नहीं रोक सकती, कारोबार एक अलग तरीका है, मुझे बैरिस्टर के कोर्ट के लिए नहीं जाना है, मुझे लोगों की आवाज़ उठाना है, जो मैं पहले भी उठाता था, बस ये था कि पहले कॉरपोरेटर था, लेकिन अब उठाऊंगा तो इसके अंदर एक बड़ी ताकत है, और जबान कोई भी हो हिम्मत होना चाहिए अपना काम करो। जैसा कि अक्सर देखा गया है लगभग 18 नगर सेवक हैं जो है यहाँ पर, और जब महासभा में जाते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है? और आप जो है जैसा ये भी बताया जाता है कि जो जिस इलाके में रहता है उस इलाके में बहुत बोलता है, लेकिन जब दूसरे इलाके में जाता है तो बहुत कम बोलता है, ये आप जिस तरह से यहाँ बोलते हैं मुमरा के अंदर, ठीक इसी तरह से थाने महानगर पालिका में विरोधी पक्ष बनकर बोलेंगे? मेरी फिरोज भाई आप मेरी पूरी हिस्ट्री दिखा रही है ना, मैंने मुमरा में कम थाना में ही ज्यादा बोला हूँ, क्योंकि ये लोगों के सवाल है कि यहाँ बोलते हैं आप थाने में नहीं बोलते। हाल ही में 4 दिन पहले कमिश्नर साहब के कैबिन के बाहर बैठ गया था, पूरी दुनिया ने देखा,
पूरे थाना में पानी नहीं था। मुमरा कौसा के थक साथ साथ दीवा का भी फैसला करा के आया कि स्टैम का पानी मिलेगा। मुमरा कौसा का तो फैसला कराए, दीवा के लिए भी स्टैम का पानी लेके आया। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के अंदर हिम्मत होना चाहिए। अल्लाह ताला के इंशाल्लाह रहम करम से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर हिम्मत है, हिम्मत जितने सारे मुद्दे गिनाए हैं उनमें से जो है मतलब सारे मुद्दे आप उठाएंगे। ये तो बहुत कम मुद्दे, छोटे से छोटा मुद्दा भी उठाऊंगा क्योंकि उठाने के लिए ही मुझे वहां पे पद दिया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी नजर तो अब थाने के अंदर हर काम के ऊपर होगी कि थाना की जनता को कुछ परेशानी है क्या, उनके भी नहीं भी फर्ज है। लेकिन मुमरा और कौसा और दीवा और कलवा ये जगह पे जो थाने महानगर पालिका है बजट के मामले से कहीं ना कहीं कमी करती और थोड़ा सा अन्याय करती, उस अन्याय की भरपाई करने के लिए अल्लाह ने मुझे बनाया। ये बहुत बहुत शुक्रिया सानू भाई। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल है, विरोधियों के लिए क्या कहेंगे आप? जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कयास लगाए किसी और पर गए थे लेकिन मिला आपको, अब वो नर्वस है, उनके लिए क्या? उनके लिए सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है प्लान मत करो, एक प्लान तुम करते हो, एक प्लान मेरे अल्लाह करते, और जब अल्लाह प्लान करते तो तुम्हारे के प्लान धरे के धरे रह जाते, जो उसका नतीजा है। सानू भाई, जिस तरह से मुमरा में आवाड साहब के एक दाहिना हाथ एक बायां हाथ, उसमें दाहिना और बायां हाथ कौन हो सकता है, लेकिन मैं नाम बता रहा हूँ आपको, एक सानू पठान एक समीम खान, ये दोनों दोनों में से कौन बायां है कौन दाहिना ये मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दोनों हैं। अब सवाल ये है कि सानू पठान जो है विरोधी पक्ष नेता बन जाते हैं, यानी आप बन गए, समीम भाई जो है उसी ठाणे महानगर पालिका में परिवहन सदस्य बनाए गए, अब दोनों जन मिलकर किस तरह से मुमरा में जो विकास की नैया है किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं? देखिए ऐसा है कि हमारे बड़े भाई शमीम खान जी परिवहन के मेंबर बने और परिवहन के ताल्लुक से बहुत काम करना बाकी और बहुत सारे दूसरे भी काम है। आज काफी जोश दिखा है जो समीम खान साहब में आपको लेकर भी। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे बड़े भाई और हम मेरे अध्यक्ष और सबके अध्यक्ष, इंशाल्लाह ताला उनके साथ मुमरा का जितना भी कार्य काम है मेरे बड़े भाई के साथ मिलके सारे विकास के काम किए जाएंगे और हमारे को माननीय जितेंद्र रावत साहब और सैयद अली भाई साहब की हमेशा दुआएं साथ है। तो ये थे शानू पठान साहब जो पहले नगर सेवक दो बार रह चुके हैं, अभी भी नगर सेवक हैं और उसी के साथ साथ उन्हें जो जवाबदारी दी गई है वो विरोधी पक्ष नेता की, जिसको लेकर आज पूरे शहर में यानी मुमरा कौसा में जो है उनके जगह जगह पर स्वागत किए गए और बहुत सारे जो है लोगों ने दुआएं दी है। और हमने शानू पठान से बात की, जिस तरह से उनकी रवैया है, जिस तरह से उनके बोल और अंदाज है, जो जिस तरह से मुमरा कौसा में अपनी आवाज़ को उठाते आए हैं, ठीक उसी तरह से जो है उसी कड़क अंदाज में अब वो जो है महासभा में यानी ठाणे महानगर पालिका के अंदर जो है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएंगे और मुमरा शहर के जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पर जो है वो बात करेंगे, उस मुद्दे के लिए आवाज़ उठाएंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।